नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप ओटीपी टोकन किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में भेज सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट से अपने अकाउंट में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस तरीके से आप ओटीपी टोकन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे व्यक्ति को, और साथ ही साथ बीएनबी भी एक दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त को गिफ्ट करना चाहते हैं ओटीपी टोकन को, किस तरीके से जो है ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को, आप भेज भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, वह क्या तरीका है, सारा तरीका आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो प्लीज मेरी वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपको किसी भी, अगर आप ओटीपी टोकन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो जिस वॉलेट में आप भेजना चाह रहे हैं उसका आपको रिसीव एड्रेस लेना होगा। रिसीव एड्रेस लेने के लिए आपको ये प्राप्त करें लिखा हुआ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पर प्रतिलिपि पर जैसे आप क्लिक करोगे, पुष्टि करें, जैसे आप क्लिक कर दोगे, ये आपका रिसीव एड्रेस कॉपी हो जाएगा। यह रिसीव एड्रेस ही आपको चाहिए होगा, इसी रिसीव एड्रेस के माध्यम से आप ओटीपी टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं। इस रिसीव एड्रेस को आपको उस व्यक्ति को भेजना होगा जिससे आप टोकन लेना चाह रहे हैं। देखिए इस वॉलेट से मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, तो यहां पर मुझे यह रिसीव एड्रेस डालना होगा। स्थानांतरण लिखा हुआ है यहां पर, स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर लिखा हुआ, यहां पर भी ट्रांसफर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। रिसीवर, यहां पर रिसीवर लिखा हुआ, इस यहां पर आपको वह जो एड्रेस आपने कॉपी किया था उस वॉलेट का वो यहां पर पेस्ट कर देना, और जितने भी ओटीपी टोकन आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं राशि की यहां पर आप भर दें यहां पर, और पुष्टि करें कंफर्म, इस पर आप क्लिक कर दें, फिर दोबारा से ट्रांसफर की पुष्टि करें, इस पर क्लिक कर देना, फिर दोबारा से आपको यहां पर फिर से क्लिक कर देना नीली पट्टी पर। अब आपको आप जिस वॉलेट से ट्रांसफर कर रहे हैं उस वॉलेट का जो है पासवर्ड डालना है यहां पे, यानी कि आपने जो वॉलेट अपने वॉलेट का पासवर्ड डालना था वो पासवर्ड यहां पर भर देना है, और पुष्टि करें यहां पर क्लिक कर देना है। तो देखिए इस वॉलेट से जिस वॉलेट में का मैंने जो एड्रेस कॉपी करा था उस वॉलेट में यहां से देखिए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इतना करने मात्र से देखिए प्रोसेस चल रहा है, मैं ये देखिए प्रोसेस चल रहा है, 600 ओटीपी टोकन मैंने ट्रांसफर कर रहा हूं इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो मैंने उस अकाउंट का पहले ही जो है रिसीव एड्रेस ले लिया था, उस रिसीव एड्रेस के माध्यम से ही जो है ओटीपी टोकन ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिए यहां प्रोसेस चल रहा है, मैं बैक करके दिखा देता हूं आपको, मैं उसी वॉलेट में आ जाता हूं जिस वॉलेट में मुझे ट्रांसफर करने थे, उस वॉलेट में आ गया हूं जहां से मैंने रिसीव एड्रेस जिस वॉलेट का प्राप्त किया था। देखिए ये यहां पर जैसे मैं क्लिक करूँ देखिए 600 ओटीपी टोकन दिखा रहा है, ये देखिए लिखा आ गया, ये डिटेल है पूरी। ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया देखिए, टाइम कहाँ से, किसने भेजी, किसको भेजी, किस टाइम भेजी, कितनी भेजी, सारी की सारी डिटेल यहां पर दिखा रहा है, समय टाइम डेट सारा का सारा प्रोसेस। ये एक तरीके से रिसीव नोट है यहां पर, ये कुछ इस तरीके का दिखा रहा है। देखिए मैं फिर से बैक आ जाता हूं, मैं देखिए इससे फिर से इसी अकाउंट से मैं बीएनबी ट्रांसफर कर रहा हूं उस अकाउंट में। तो देखिए मैंने बीएनबी पे क्लिक किया और यहां पर नीचे देखिए स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर लिखा हुआ है, तो मैं ट्रांसफर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो फिर से मुझे वही प्रोसेस पूरा करना है, यानी कि अपना जो उस वॉलेट जिस वॉलेट में भेजनी है उस वॉलेट का रिसीव एड्रेस। देखिए मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ देखिए फिर ये ट्रांसफर स्थानांतरण लिखा हुआ है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैं जो है वह रिसीव एड्रेस डाल दूंगा जो मैंने कॉपी किया था उस वॉलेट का, और यहाँ पर जितने भी बीएनबी में भेजना चाहता हूँ उतने बीएनबी यहाँ पर भर दूंगा, और ये देखिए पुष्टि करें इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए फिर ट्रांसफर जारी रखें, इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखिए भुगतान की पुष्टि करें यानी कन्फर्म करें, फिर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा फिर से पासवर्ड मांगेगा। तो आप जिस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं उस अकाउंट का जो पासवर्ड यहां पर भर दें और देखिए पुष्टि करें, इस पर क्लिक कर देना, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखिए आपकी बीएनबी भी उस अकाउंट में ट्रांसफर हो गई हैं, इस अकाउंट से कट गई हैं, और जिस अकाउंट में भेजी हैं देखिए मैं उसी में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने भेजी हैं, इसी का मैंने रिसीव एड्रेस लिया था, देखिए बीएनबी भी यहाँ पर आ गए 0.02 BNB भी आ गई है, देखिए डिटेल भी आ गई है। तो कुछ इस तरीके से बड़े ही इजी प्रोसेस से आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, किसी की एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ओटीपी टोकन ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी यह वीडियो जरा भी आपको अच्छी लगी हो, जरा भी आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए रिसीव एड्रेस होता है यही, इसी रिसीव एड्रेस के माध्यम से जो है आप किसी भी व्यक्ति से अपने वॉलेट पर जो है ओटीपी टोकन बीएनबी मंगा सकते हैं, इसी रिसीव एड्रेस से यही भेजना होगा आपको जिसको भेजना है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर आल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो भी नई भविष्य में अपडेट आती है ओटीपी टोकन से संबंधित, ओटीपी क्रिप्टो बैंक से संबंधित, सबसे पहले घर बैठे उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर आल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।